ये देखकर आश्चर्य होता है कि कई हिंदू महिलाओं को भी शाहरुख खान के नशेड़ी बेटे आर्यन से बहुत सहानुभूति है। वो उसके जेल में जाने से दुखी हैं। आर्यन की माँ को कैसा लग रहा होगा? बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, ड्रग्स ही तो ली थी। ड्रग्स तो आजकल हर कॉलेज कैंपस तक पहुंच चुकी हैं। फिर आर्यन को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसे ऐसे तर्क जिन्हें सुनकर विश्वास नहीं होता कि ये वही समाज है जिसके परिवारों में शराब और ड्रग्स छोड़ दीजिए, सिगरेट का नाम तक लेना अपराध हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि लोग नशा नहीं करते थे, करते थे, लेकिन एक अपराधी भाव के साथ, बीवी बच्चों से छिपकर, माता पिता से छिपकर। नशाखोरी पुरुषों की समस्या हुआ करती थी और अधिकांश महिलाएं उसमें बड़ी रुकावट थी, किसी नैतिक शक्ति के रूप में जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, बस उससे नजरें चुराई जा सकती थी। आर्यन खान के लिए दुखी हो रही महिलाएं कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी बहुत दुखी थी। सुशांत ने आत्महत्या क्यों की? किसी को सुशांत सिंह राजपूत में अपना बेटा नजर आता था, किसी को भाई, तो किसी को अपना संभावित प्रेमी, लेकिन मूल भावना एक थी। कुछ दिन बाद वीडियो आए जिनसे पता चला कि हट्टा कट्टा स्मार्ट दिखने वाला लड़का सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स की लत में खोखला हो चुका था। फिर सबके मन में प्रश्न था कि उसके माता पिता कहाँ थे? बहनों ने भाई को इस दलदल से क्यों नहीं निकाला? भारतीय समाज की महिलाएं हमेशा से वो ढाल रही हैं जो परिवार के सदस्यों की मर्यादाएं तय करती थीं। बेटा बड़ा होकर कैसा बनेगा, उसके अंदर कितनी नैतिकता होगी, ये काफी हद तक उसकी माँ से मिलने वाले संस्कारों से ही तय होता है। यदि माओं को ही ड्रग्स और शराब बच्चों की छोटी मोटी गलती लगने लगे, तो फिर मुलायम सिंह यादव ने क्या गलत कहा था? लड़कों से गलती हो जाती है, वो चाहें तो बलात्कार भी कर ही सकते हैं। कोई समाज कई तरह की मर्यादाओं से चलता है, इनमें संविधान से लेकर समाज तक की मर्यादाएं सम्मिलित हैं। जहां संविधान की सीमा समाप्त होती है, वहां समाज काम करता है। लेकिन यदि समाज अपने नियम सत्य असत्य की बजाय भावनाओं के आधार पर तय करने लगे, तो उस समाज को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन खान के लिए आंसू बहाने वालों को अपनी संतानों के लिए भी रोने को तैयार रहना चाहिए।